नमस्ते बच्चों। बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं पहले लोग एक दूसरे को संदेश कैसे भेजते थे? बिल्कुल सही, पहले पक्षियों के द्वारा संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते थे, फिर पोस्ट कार्ड, अंतरदेशी पत्र, टेलीग्राम और लिफाफों में पत्र लिखकर भेजते थे। आजकल तो मोबाइल और ईमेल आदि के द्वारा ही एक दूसरे को संदेश भेजे जाते हैं। पुराने समय में राजा महाराजा संदेश वाहक को पत्र देकर ही अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाते थे। पत्र के भी अलग-अलग प्रकार होते हैं। अब इसमें मैं आपको दो प्रकारों के बारे में बताऊंगी। पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कार्यालयीन पत्र होते हैं। ये पत्र अधिकारियों, विद्यालय के प्रधानाचार्य को, समाचार पत्र के संपादक को, पुस्तक विक्रेता या किसी व्यापारी आदि को लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र उन व्यक्ति को लिखे जाते हैं जिनसे पत्र लेखक का व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है। ये पत्र अपने मित्रों, माता पिता, अन्य संबंधियों आदि को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में व्यक्तिगत बातों का उल्लेख रहता है। तो आइए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5वीं के पाठ 16 पत्र पाठ का अध्ययन करते हैं। इस पाठ में एक अनौपचारिक पत्र का विवरण है। इस पाठ में एक बालिका ने अपनी सहेली को दिल्ली में मेट्रो रेल की वजह से आए बदलाव की जानकारी दी है। अब इसमें जो दो सहेलियां हैं, है ना, तो एक है कांता और एक है मीना। ये दोनों सखियां हैं। तो यहाँ पर कांता ने अपनी सखी मीना को पत्र लिखा है। यहाँ एक पत्र का प्रारूप भी दिया गया है। यहाँ पत्र लिखने वाली ने अपना पता लिखी है दाहिनी ओर, 132 C1 शाहदरा दिल्ली, और तारीख लिखी है। किस तारीख को वो पत्र लिखी है? 20 नवंबर 2010 को। और उसने अपनी सहेली को यहाँ पर संबोधित किया है, प्रिय मीना नमस्ते, बड़े दिन की छुट्टियाँ होने वाली हैं, तुम कुछ दिनों के लिए दिल्ली अवश्य आना। तुम्हें याद होगा कि पिछले वर्ष हमने कितनी मौज मस्ती से छुट्टियाँ बिताई थी। अप्पू घर, चिड़िया घर, गुड़िया घर की सैर करने में कितना मजा आया था। हम लाल किला और कुतुब मीनार भी देखने गए थे, याद है? नंदा तो कुतुब मीनार की ऊंचाई देखते देखते पीछे को ही लुढ़क गई थी। इस साल भी नंदा अपने भाई के साथ आ रही है। इस बार एक नया आकर्षण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आकर्षण यानी खिंचाव। मेट्रो रेल के बारे में तुमने सुना या पढ़ा ही होगा। यहाँ पर रेल का चित्र भी देख रहे हैं आप लोग। अभी तक मेट्रो रेल केवल कोलकाता में ही प्रचलित थी, पर दिल्ली में भी कई क्षेत्रों में चलाई जा रही है। सचमुच मेट्रो रेल में यात्रा करने का आनंद ही कुछ और है। अब मेट्रो रेल का जाल पूरी दिल्ली में बिछाया जा रहा है। इसकी पटरियां सड़क से ऊपर खंभों पर यानी ओवरब्रिज पर बिछाई गई हैं। कहीं कहीं ये भूमि के नीचे भी हैं। कोलकाता की तरह दिल्ली की मेट्रो रेल पूर्ण रूप से भूमिगत नहीं है। भूमिगत यानी जो भूमि के अंदर चलती है ना बच्चों? साफ सुथरी दौड़ती तेज गाड़ी में शाहदरा से सफर करते हुए कब कश्मीरी गेट आ जाता है पता ही नहीं चलता। बसों की धक्का मुक्की और लंबी कतारों से राहत मिल गई है। मेट्रो रेल के डिब्बे दक्षिण कोरिया से बनकर आए हैं। इसके दरवाजे स्वचालित हैं। स्वचालित यानी स्वयं ही अपने आप वो चलते रहते हैं। जो गाड़ी के रुकते ही या चलते ही अपने आप खुलिया बंद हो जाते हैं। जगह जगह मेट्रो रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं जो बहुत ही सुंदर और सुविधापूर्ण है। काउंटर से टिकट या टोकन लेकर ही प्लेटफॉर्म पर प्रवेश किया जा सकता है, और टोकन को एक मशीन में वापस डालकर ही बाहर आया जा सकता है। गाड़ी में प्रत्येक स्टेशन आने से पूर्व उसके नाम की घोषणा की जाती है।
जिससे यात्रियों को अपने निश्चित स्टेशन के आने का पता चल जाता है। गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक सूचना बोर्ड पर स्टेशन आने के पूर्व उसका नाम अंकित हो जाता है। तुम तो जानती ही हो कि देश की राजधानी और महानगर होने के कारण दिल्ली की आबादी कितनी तेजी से बढ़ी है। यहाँ की अधिकांश जनता को कामकाज के लिए प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना पड़ता है। इसी कारण दिल्ली की सड़कों पर बसों और वाहनों की संख्या भी बहुत अधिक हो गई है, जिससे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इन समस्याओं को हल करने में मेट्रो रेल काफी मददगार होगी। मेट्रो रेल का कार्य बड़ी तेजी से प्रगति पर है और अगले कुछ वर्षों में इसके पूरे हो जाने की संभावना है। कल्पना करो, तब दिल्ली कितनी आकर्षक और सुखद हो जाएगी। अभी तुम दिल्ली आओगी तो यहाँ का बदला रूप देखकर आश्चर्य करोगी। आश्चर्य ने अचंभा। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी सखी कांता। तो बच्चों, अभी आपने पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की, कैसे कांता ने अपनी सखी मीना को मेट्रो रेल के बारे में पत्र के माध्यम से पूरी जानकारी दी है। अब इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास के कार्य हम लोग करेंगे, ठीक है? तो देखते हैं, यहाँ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न पहला है, कांता ने किसे पत्र लिखा है? तो इसका उत्तर है, कांता ने अपनी सखी मीना को पत्र लिखा है। अगला प्रश्न है, मेट्रो रेल के डिब्बे किस देश से बनकर आए हैं? तो इसका उत्तर है, मेट्रो रेल के डिब्बे दक्षिण कोरिया से बनकर आए हैं। अगला प्रश्न है, मेट्रो रेलवे स्टेशन की क्या विशेषताएं हैं? तो इसका उत्तर है, मेट्रो रेलवे स्टेशन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है, मेट्रो रेलवे स्टेशन बहुत सुंदर और सुविधापूर्ण होते हैं। दूसरा है, काउंटर से टोकन या टिकट लेकर ही प्लेटफॉर्म पर प्रवेश कर सकते हैं। टोकन को एक मशीन में वापस डालकर ही बाहर आ सकते हैं। तीसरा है, गाड़ी में प्रत्येक स्टेशन आने से पूर्व उनके नाम की घोषणा होती है। अगला प्रश्न है, इस टिकट को देखो और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो बच्चों, सबसे पहले ध्यान से इस टिकट को देखो तो आप लोग, इसमें शुभ यात्रा और हैप्पी जर्नी के बीच एक लोगो बना हुआ है। हाँ, ये लोगो किसका है? बिल्कुल सही, रेलवे का है, है ना? तो पहला प्रश्न है, यह किसका टिकट है? तो अब आप लोग तो समझ ही गए हैं, यह रेल का टिकट है। अब अगला प्रश्न, इस टिकट पर कितने लोगों ने यात्रा की? तो आप लोग बहुत ध्यान से टिकट को देख ही रहे हैं, तो इस टिकट पर दो लोगों ने यात्रा की। अब अगला प्रश्न है, यह टिकट कहाँ से कहाँ तक की है? तो टिकट आप लोग देख रहे हैं, नीचे में देखिए, है ना, यह टिकट उदयपुर से कोटा तक की है। अगला प्रश्न है, इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है? इसका उत्तर है, इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी 286 किलोमीटर है। अब दोनों स्थान यानी उदयपुर से कोटा, है ना, उदयपुर से कोटा की दूरी 286 किलोमीटर है। अब अगला प्रश्न है, किराए के लिए कितने पैसे चुकाए गए? तो इसका उत्तर है, किराए के लिए 342 रुपये चुकाए गए हैं। अगला प्रश्न है, टिकट धारकों की आयु क्या है? तो इसका उत्तर है, टिकट धारकों की आयु पहले वाले की 40 वर्ष और दूसरे की 30 वर्ष है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में ई की मात्रा जोड़कर नए शब्द बनाओ और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। तो यहाँ पर कुछ शब्द भी दिए गए हैं, जैसे वापस, कम, तेज, देर,
गलत। तो यहाँ मैंने तीन कॉलम बना लिए हैं, है ना, यहाँ तीन खंड बने हुए हैं। पहले खंड में शब्द है और दूसरे खंड में ई जोड़कर नया शब्द बनाया गया है और तीसरे खंड में वाक्यों में नए शब्द का प्रयोग बताया गया है। यहाँ शब्द दिया गया है वापस। अब वापस में ई लगाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि हमको प्रत्यय लगाना है ना, तो हम पीछे ही लगाएंगे वापसी। अब इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, 2 दिन बाद सुधीर की दिल्ली से वापसी है। अगला शब्द है कम। अब कम में ई लगाएंगे तो कमी हो जाएगा। अब इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, माँ के जाने से उसकी कमी लग रही है। अगला शब्द है तेज। तेज में ई जोड़ेंगे तो तेजी। वह बहुत तेजी से दौड़ता हुआ मेरे पास आया। अब अगला शब्द है देर। अब देर में ई लगाएंगे तो क्या होगा, देरी। इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे, निशा रोज शाला देरी से आती है। अगला शब्द है गलत। गलत में ई लगाए तो गलती। अब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, वह गलती से मेरी पेन ले गया। अब बच्चों, अभी हमने अभ्यास कार्य किया, अब मैं आप लोगों को घर से करके लाने के लिए गृह कार्य दूंगी। तो गृह कार्य का पहला प्रश्न है, मेट्रो रेल के चलने से किस समस्या से छुटकारा मिल गया। अगला प्रश्न है, दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है। अगला प्रश्न है, संदेश भेजने के और कौन कौन से साधन हैं? अगला प्रश्न है, शाला वार्षिकोत्सव की तैयारी के संबंध में अपने मित्र या सहेली को एक पत्र लिखो। अंतिम प्रश्न है, अंतरदेशी डाक टिकट, लिफाफा और पोस्ट कार्ड संकलित करो और उनके बारे में लिखो। तो बच्चों, आप लोग ये चीज़ों को इकट्ठा करना और इससे संबंधित जो जो जानकारी आपको मिलती है उसको अगली कक्षा में लाना। तब तक के लिए धन्यवाद।